नमस्कार। एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए पेपर 13 टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पर हमारा आज का लेक्चर केंद्रित होगा। इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन सिलेबस का आपको प्रोवाइड कराया, उसके बाद दो फैमिली मिर्टेसी और रूबियसी, इन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये छह फैमिली आपके यूनिट 4 के अंदर कोर्स में है। आज हम बात करेंगे फैमिली स्टर्कुलियसी की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जेनेरा जैसे स्टर्कुलिया, हेरिक्टेरिस, टेरोस्पर्मम, एबोर्मा, गुआजमा, थियोब्रोमा, कोला, ये इनके अंदर शामिल हैं। तो इन फैमिली जेनेरा की ये फैमिली स्टर्कुलियसी, जिसके आज हम बात करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की, तीनों थर्स के अनुसार इसका वर्गीकरण को कहाँ पे रखा गया है वर्ग की स्थिति में, उसके बाद इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव करेक्टर्स की, इसके रेंज ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स की, फिर इसकी एफिनिटी की बात हम इस चैप्टर के लेक्चर के दौरान करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, वर्गीकृत स्थिति की। तीन ऑथर का वर्गीकरण हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बेंथम एंड हुकर के अनुसार इसको पॉलीपेटली, देन सीरीज थैलेमीफ्लोरी, उनमें ऑर्डर मालवेलिस, उनमें फैमिली स्टर्कुलियसी में रखा गया है। उसके बाद हमें वर्गीकरण दिखाई दे रहा है एंग्लर और प्रंटल का, जिसमें आर्की क्लेमाइडी, ऑर्डर मालवेल्स, फैमिली स्टर्कुलियसी में इसको रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं हचिनसन का वर्गीकरण, जिसमें लिग्नोसी, ऑर्डर टीलियल्स, फैमिली स्टर्कुलियसी में रखा गया है। ये हम वर्गीकृत स्थिति देख रहे हैं तीनों ऑथर के अनुसार, बेंथम हुकर के अनुसार, एंग्लर प्रिंटल के अनुसार और हचिनसन के अनुसार इसको किस स्थान पर रखा गया है, इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कायिक लक्षणों की, वेजिटेटिव करैक्टर्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके पादप स्वभाव की, प्लांट हैबिट्स। इसमें जो प्लांट है वो मोस्टली ट्रीज और श्रब्स होंगे, ट्रीज श्रब्स एंड फ्यू हर्ब्स विद स्टिलेट हेयर्स, रेयरली क्लाइंबर, मोस्टली ट्री और श्रब इसके अंदर शामिल होंगे। और ये इंपॉर्टेंट करैक्टर्स है इसके प्लांट में, ट्री और श्रब, जिनके हम एग्जाम्पल भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब बात करते हैं रूट की, नॉर्मल टेप रूट एंड ब्रांच्ड, स्टेम तना इरेक्ट, ब्रांच्ड, फाइब्रस वुड एंड विद म्यूसिलेस सेक्स। ब्रांच्ड होगा, बार्क म्यूसिलेजनस होगी, फाइब्रस वुड इनमें होगी। द बार्क इज म्यूसिलेजनस एंड द इनर बार्क इज ऑफन फाइब्रस। उसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेटिव करैक्टर्स में पत्तियों की, पर्ण की। इसकी जो लीव्स हैं वो सिंपल और पामेटली लोब्ड और डिजिटेट प्रकार की होगी, और स्टिपुल्स यूजली केडुकस जो शीघ्र गिर जाएंगे। सिंपल और पामेटली कंपाउंड और लोब्ड और विद एंटायर मार्जिन्स, अल्टरनेट स्टिपुलेट, स्टिपुल जो है केडुकस होंगे, ये इनके होंगी पर्ण। तो ये हम देख रहे हैं इसका वेजिटेटिव करैक्टर्स, जिसमें हमने देखा प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरल करैक्टर्स की, जिसमें हम इनफ्लोरोसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उसके बाद इसके फ्रूट, सीड, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पुष्पक्रम, इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस पेनिकल साइम और साइम्स और इन क्लस्टर्स, साइम्स एक्सिलरी और क्लस्टर प्रकार का हो सकता है इनका पुष्पक्रम। उसके बाद पुष्प फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, यूजली बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, पेंटामेरस। जो इनका पुष्प है वो त्रिज्या सम्मित होगा, हाइपोगाइनस अर्थात जायांगदर होगा, और जब ये हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी कैसी होगी, ओवरी होगी इनकी सुपीरियर। हर्मेप्रोडाइट अर्थात द्विलिंग होंगे और कभी कभी ये यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, और पेंटामेरस कंडीशन होगी, पंचतई फ्लावर होगा। तो ये
इनके पुष्प की विशेषता होगी। उसके बाद बात करते हैं कैलेक्स और कोरोला की। सबसे पहले देखते हैं बाह्य दलपुंज कैलेक्स, नंबर ऑफ सेपल्स 5, बेसिलिक कोनेट और ओफन कलर्ड, एग्जाम्पल इस्टरकुलिया। जो सेपल्स की संख्या है वो यूजली 5 होगी, विच आर मोर और लेस यूनाइटेड एंड शो वोल्वेट एस्टिवेशन इन बर्ड, द सेपल्स आर ऑफन कलर्ड इन इस्टरकुलिया। इस्टरकुलिया में ये कलर्ड होंगे, क्यों होंगे भी हम थोड़ी देर बाद पेटल्स के अंदर देखते हैं, क्योंकि पेटल्स इनमें नहीं होगा। उसके बाद कोरोला दलपुंज, नंबर ऑफ पेटल्स 5, या एब्सेंट हो सकते हैं, जिसे इस्टरकुलिया में वहां बाह्य दलपुंज जो है कलर्ड होगा, फ्री होंगे इम्ब्रिकेट कोरोला टर्न्ड आइदर टू लेफ्ट और राइट, पेटल्स समटाइम्स एडनेट टू द स्टेमेन कॉलम। 5 पेटल्स हैं बट पेटल्स आर एब्सेंट इन इस्टरकुलिया, द पेटल्स आर फ्री और एडनेट टू द बेस ऑफ द स्टेमिनल ट्यूब, दे आर डेसिड्यूस और समटाइम्स परसिस्टेंट एज इन डोम्बिया एंड ऑन्टर्ड और इम्ब्रिकेट इन बर्ड। लेकिन जो मैं बात समझ नहीं है मुख्य रूप से वो यह है, नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, इस्टरकुलिया में ये एबसेंट है और फ्री होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की। एसेंशियल जो पार्ट है एंड्रोशियम और गायनोशियम, पुमंग और जायन। सबसे पहले देखते हैं पुमंग के अंदर जो संख्या कितनी हो सकती है, फ्यू टू मेनी पुमंग की। इन टू वोरस, दो चक्र में होंगे जितने भी होंगे, आउटर वोरस रिड्यूस टू स्टेमिनोड्स, आउटर वोरस एंटीसेपेलस वाइल इनर वोरस एंटीपेटलस, और एंथर जो है वो द्विकोष्ठी होंगे। स्टेमेंस इन टू वोरस, दो चक्र में पुंकेसर हैं, दो जो आउटर वोरस आर एंटीसेपेलस एंड रिड्यूस टू स्टेमिनोड स्केल्स और एब्सेंट, दो जो इनर वोरल एंटीपेटलस, इनकी जो संख्या है डेफिनेट और इनडेफिनेट हो सकती है एंड मोनोडल्फस, और एंथर्स डाइथिकस द्विकोष्ठी जो है पराग कोश होंगे। तो नंबर ऑफ स्टेमेंस की बात करें, जो इनकी संख्या है वो हो सकती है फ्यू टू मेनी, जैसे हम जब इस्टरकुलिया उन केस के अंदर देखेंगे तो मेनी स्टेमेंस होंगे। उसके बाद देखते हैं जायांग गाइनोशियम, नंबर ऑफ कार्पल्स 2 to 5, जो अंडपों की संख्या है वो 2 to 5 अंड भी हो सकते हैं। सिन कार्पस है, युक्तांड भी है, अंडाशय उर्ध्ववर्ती सुपीरियर ओवरी है, क्योंकि फ्लावर को हमने लिखा था हाइपोगाइनस, और एक्साइल प्रेजेंटेशन अक्षीय विजांडन्यास होगा यूजली। लेकिन एक एग्जांपल है इसका, वेल्थरिया द गाइनोशियम हैज ओनली 1 कार्पल एंड द ओवरी इज यूनिलोकुलर विथ 2 असेंडिंग ओव्यूल्स। तो गाइनोशियम में जो महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि नंबर ऑफ कार्पस जो होंगे वो अंडपों की संख्या होगी 2 to 5, सिन कार्पस और ओवरी सुपीरियर और एग्जाइल प्रेजेंटेशन इनका जनरली होगा। अब हम फ्लोरल करेक्टर्स के अंदर देखते हैं आगे फ्रूट सीड इनके प्रकार, फल किस किस प्रकार का होगा, बीज किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्रूट्स, यूज दी शाइजोकार्पिक कैप्सूल समटाइम स्प्लिटिंग इनटू कोकाई। जो फल है वह यूजली शाइजोकार्पिक कैप्सूल प्रकार का होगा, या टिपिकल कैप्सूल सिंपल कैप्सूल प्रकार का हो सकता है, इंडेसेंट और डिसेंट हो सकते हैं, और समटाइम्स स्प्लिटिंग इनटू कोकाई, कभी कभी ये कोकाई के रूप में टूटेंगे। कैप्सूल प्रकार का फल प्राय होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल हम यहां देख रहे हैं हेलिक्टेरिस, हेलिक्टेरिस जिसकी एक सामान्य स्पीशीज है हेलिक्टेरिस इजोरा, मरोड़ फली इसको कहते हैं। उनके अंदर जो फल है उसकी जो फली है फल है वो कैसा होगा, फोलिकल्स आर स्पाइरली ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए उसको नाम दिया मरोड़ फली। उसका जो फल है वो मुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए कॉमन नेम है मरोड़ फली हेलिक्टेरिस इजोरा का, तो स्पाइरली होगा उनके। उसके बाद देखते हैं बीज सीड्स, न्यूमरस संख्या में है, यूज दी एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी होगा और विंग्ड हो सकता है या एरिलेट प्रकार का हो सकता है। विंग्ड का एग्जांपल हम देख रहे हैं टेरोस्पर्मम जो कि एक विशाल वृक्ष होता है, और एरिलेट का एग्जांपल है इस्टरकुलिया, इस्टरकुलिया यूरेंस, जिनके अंदर बीज जो है वो एरिलेट होगा।
परागण का जो प्रकार है पोलिनेशन, वो जनरली है एंटोमोफिलस, कीट परागण। लेकिन द विंग्ड आर समेरोइड सीड्स ऑफ टेरोस्पर्मम एंडोम्ब्रिया आर डिस्पर्स बाय विंड, लेकिन यूजली एंटोमोफिलस प्रकार का जो है परागण इनके अंदर दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस फैमिली की एफिनिटी की, अर्थात बंधुता की, इस फैमिली की बंधुता। जनरली हमें फैमिली बेंथम और हुकर के अनुसार इसको रखा गया है पॉलीपेटली में, थैलेमी फ्लोरी और ऑर्डर मालवेल्स में। एंगल प्रिंटल जहां रख रहा है आर्किक्लेमाइडी मालवेल्स में, और हचिनसन इसको रख रहा है लिग्नोसी, और लिग्नोसी में ऑर्डर टिलियल्स जिसके अंदर मालवेसी फैमिली रखी, ये ईस्टर टिलिये फैमिली रखी गई है ईस्टर कुलियस। तो बेंथम एंड हुकर डिवाइडेड द फैमिली इंटू सम सेवन ट्राइब्स। द ईस्टर कुलियसी आर इंटीमेटली रिलेटेड विद टिलियसी एंड मालवेसी एंड आर द कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम स्टॉक इज द टिलियसी। व्हाइल हचिनसन included it in his order Tiliales along with Tiliaceae. Most of the botanists, however, consider them as a member of the Malvaceae. तो ये हमने बात करी इस फैमिली की जो है एफिनिटी की, अर्थात इसकी सिस्टमेटिक्स और फाइलोजेनी की, बंधुता की बात हमने यहां पर करी। तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको बेंथम एंड हुकर जो है मालवेस में रख रहा है, हचिनसन जो इसको है टिलियस ऑर्डर में रख रहे हैं, टिलियसी मालवेसी ईस्टर कुलियसी ये सब संबंधित नेबरिंग फैमिली है जिनमें एक करेक्टर जो है कई सारे इनमें समान नजर आएंगे। इनके अलावा हम बात करते हैं एफिनिटी की और डिटेल में। द फैमिली ईस्टर कुलियसी बियर्स रिमार्केबल एफिनिटी विद यूफोरबियसी इन द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स सच एज स्टिलेट हेयर्स, तारेनुमा जो है इसमें रोम पाए जा रहे हैं वो संरचनाएं, नेचर ऑफ फ्रूट फल का प्रकार, ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ एंड्रोफोर, टेंडेंसी ऑफ यूनिसेक्सिलिटी इन सम केस, प्रेजेंस ऑफ कारंकल इन द सीड्स ऑफ सम जेनेरा लाइक इस्टरकुलिया एंड लीफी कोटिलेडंस। इनके अंदर लीफी कोटिलेडंस है, ये स्ट्रक्चर के अनुसार ये यूफोरबियसी के साथ समानता भी दर्शाती है। लेकिन हमने जो बेंथम हुकर की बात करी कि बेंथम हुकर प्लेस द फैमिली विद अदर एलाइड फैमिली सच एज मालवेसी, मालवेसी के पड़ोस में माल इसमें रखा है, बेंथम एंड हुकर प्लेस द फैमिली विद अदर एलाइड फैमिली सच एज मालवेसी टीलियसी अंडर थैलेमी फ्लोरी आफ्टर डिप्टेरोकार्पी, डिप्टेरोकार्पी के बाद इसको रखा है। एंग्लर पुट द फैमिली इन हिज 29 सीरीज मार्वेल्स प्रेसिडिंग पेराइटेलिस। According to Rendell, this family falls under Malvaceae or Polyminiflora after Guttiferalis and before Trichosis. Hutchinson to place the family in this series Tilio Malvaceae near Euphorbias. Thanks.